हे फ्रेंड्स, मैं हूं आरिफ और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Redmi 5 के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों को याद दिला दूं, पिछले साल दिसंबर 2017 में लॉन्च किया गया था Redmi 5 और Redmi 5 Plus को। वही फोन इंडिया के अंदर लॉन्च किया जा रहा है Redmi Note 5 के नाम से और Redmi 5 के नाम से। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे Redmi 5 के बारे में। Redmi 5 एक ऐसा डिवाइस है जो कि बिल्कुल बजट कैटेगरी में आता है। अगर आप एक हाई बजट स्मार्टफोन परचेस करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर मिड बजट या फिर लो बजट, हर तरह का बजट स्मार्टफोन आपके Xiaomi की तरफ से मिल जाएगा। अगर आप एक फिंगरप्रिंट 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला स्मार्टफोन परचेस करने के बारे में सोच रहे हो, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, Redmi ने अनवील कर दिया है Redmi 5 को। तो चलिए शुरू करते हैं Redmi 5 की स्पेसिफिकेशंस। तो सबसे पहले बात करेंगे हम डिस्प्ले की। 5.7 इंचेस का HD प्लस का डिस्प्ले दिया हुआ है, जिसके स्पेक रेशियो है 18:9, जो कि बहुत ही स्लिम डिज़ाइन है, गोल गोल कोने में है, तो बहुत ही कमाल का देखने को मिलेगा इस पर Redmi 5 को। दोस्तों, बैटरी की बात करें तो इस फोन में आपको 3300 mAh की बैटरी दिया हुआ है, जो कि क्विक चार्ज का सपोर्ट शायद नहीं है, लेकिन बहुत ही बैकअप देने वाला है, कमाल का बैकअप देने वाला है आपको Redmi 5 में। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, इसमें आपको कमाल का प्रोसेसर दिया हुआ है गेमिंग के लिए, और GPU भी कमाल का दिया हुआ है, Adreno 506 का GPU है। और प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको 450 का प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon का दिया हुआ है, जो कि एक octa-core CPU है। अगर पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो इसमें आपको 282 का पिक्सल डेंसिटी डिस्प्ले के लिए दिया गया है, जो कि बहुत ही ब्राइट है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, कैमरे में आपको ज़्यादा कुछ इम्प्रूव नहीं मिलेगा। Xiaomi का कैमरा वैसे के लिए तो अच्छा ही होता है। इसमें आपको 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। फ्रंट कैमरे में आपको इस बार फ्लैश देखने को मिलेगा, फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको इस फोन में शामिल है। अगर बात करें प्राइस की, तो इसमें आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलेगा, 2GB के साथ 16GB, 3GB के साथ 32GB और 4GB के साथ 64GB वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा। प्राइस की बात करें तो दोस्तों, आप लोग 2GB वाला का प्राइस है 7999, यानी करीबन 8000 रुपया। 3GB 32GB का प्राइस है 8999, तकरीबन 9000 रुपया। और जो हाई वेरिएंट है 4GB 64GB, उसका प्राइस है लगभग 11000, यानी 10999। जी हाँ दोस्तों, फोन बिल्कुल बजट में है। अगर आप हाई बजट, लो बजट या फिर मिड बजट, 3 वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाएगा। फोन की कलर की बात करें तो 4 कलर में आपको मिल जाता है, रेड, ब्लू, ब्लैक और रोज गोल्ड कलर में। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूँ, ये फ़ोन आपको 20 मार्च से इस बार आपको फ्लिपकार्ट पे नहीं, अमेजोन इंडिया पे मिल जाएगा और mi.com ऑफिशियल साइट में 20 मार्च 12 बजे से इसका सेल चालू हो जाएगा। आप तैयार रहिएगा, क्योंकि इस फ्लैश सेल के जरिए ये फ़ोन आपको शायद ही मिल जाए। तो मेरे हिसाब से इस बार कुछ अच्छा होने वाला है Redmi के फ़ोन हो या फिर कोई भी डिवाइस हो, इस बार अमेजोन पे हो रहा है फ्लैश सेल, तो शायद ही आपको कुछ स्टॉक मिल जाए। और मुझे उम्मीद है कि हम में से ज़्यादातर व्यूअर को मिल जाए Redmi का 5। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो था, मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया है Redmi 5 के साथ, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर हो सके तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।